प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए द्वार खोले जा रहे हैं, जो कि कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी के बढ़ते निर्णय खतरनाक साबित हो सकता है। पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत तलाई एवं पूर्व जिला कांग्रेस महासचिव प्रवक्ता पवन कौशल ने हैरानी जताते हुए कहा है कि एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में दिन पर दिन कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, तभी तो भारत विश्व में संक्रमित की संख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में भी जहां पहले कदम से संक्रमित की संख्या पर कंट्रोल हो गया था, लेकिन बाहरी राज्यों से आए हमारे ही हिमाचली भाइयों के कारण दोबारा से 1000 से भी अधिक आंकड़ा पहुंचा है। हालांकि जिसमें काफी लोग रिकवर भी हुए हैं, परंतु ऐसी स्थिति में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए छूट देने से प्रदेश की स्थिति में संक्रमितों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसलिए आमजन के हित में इस निर्णय पर सरकार को पुनर्विचार कर वापस लेना चाहिए। कौशल ने हैरानी जताते हुए कहा कि एक तरफ तो देवभूमि के मंदिरों पर ताले लटके हुए हैं, लेकिन पर्यटकों को बाहरी राज्यों से प्रवेश के लिए आमंत्रित करना कुछ ठीक नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने इस बात की भी पैरवी करते हुए कहा है कि कम से कम मंदिरों को प्रदेश के लोगों के लिए ही अगर खोल दिया जाता है, तो उससे प्रदेश के भी लोग एक दूसरी जगह घूम भी सकते हैं और देवी देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद भी ले सकते हैं, जिससे एक तो लोगों का धार्मिक स्थलों पर रोजगार भी शुरू हो जाएगा और छोटे व्यापारियों को कारोबार भी बढ़ सकता है। लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक तो केवल कुछ लोगों को ही लाभ मिलेगा, इसलिए सरकार इस विषय पर आमजन के हित को देखते हुए निर्णय ले। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अभी एक निर्णय लिया गया है, जिसमें पर्यटकों को सैलानियों को यहाँ हिमाचल प्रदेश में उनके लिए द्वार खोले गए हैं। परंतु मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इस मामले पर एक बार दोबारा पुनर्विचार करें। इससे पहले जो हमें अति आवश्यक है कि जो हमारे प्रदेश में जितने भी देवी देवताएं या मंदिर हैं, उन पे सभी बेताले लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 के कारण लगे हुए हैं पिछले 100 दिन से ज़्यादा समय से। परंतु अब सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है जो कि काफ़ी तर्कसंगत है, जिसमें कि सैलानियों को यहाँ पे आने के लिए इजाज़त दी गई है, जबकि हमारे जो देवी देवता हैं, जो मंदिर हैं, वो पूरी तरह से अभी बंद चले हैं। तो मेरा सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करते हुए कम से कम जो भी हमारे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके लिए उनके दरवाजे खोले, ताकि कम से कम उसमें हमारे प्रदेश के ही जो जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने लोग हैं, वो उनमें अपना माथा वगैरह दर्शन कर सके। और उसी के साथ जो है दर्शन के साथ साथ हमारे जो उन क्षेत्रों में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जो या अन्य रोजगार के जिन लोगों के साधन हैं, उनके साधन भी खुलेंगे और दुकानदारों का भी रोजगार कारोबार उससे बढ़ सकता है। परंतु सैलानियों का जो जहां तक निर्णय है, उसमें ये बाहरी राज्य से लोग आएंगे, उसका एक ये भी कारण है कि इससे पूर्व भी हिमाचल प्रदेश में जो पहले पूरी तरह से कोविड-19 के जो मामले थे पूरी तरह से रुक गए थे, थम गए थे, परंतु जैसे ही हमारे ही साथी, हमारे ही बंधु जो प्रदेश से बाहर ये राज्यों में रह रहे थे, वापसी हुई, तो उसके कारण यहाँ पे भी जो आंकड़ा है 1000 से अधिक कोविड-19 महामारी के संक्रमितों का हुआ है। इसमें दो राय नहीं है कि लगातार इसके मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, परंतु अभी बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आएंगे उसमें भी ये काफ़ी प्रदेश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस मामले पे पुनर्विचार करें, और साथ ही में इससे तो बेहतर होगा कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वह प्रदेश के वासियों के लिए खोल दिए जाने चाहिए। साथ ही में सरकार से मेरा इसमें इसी मामले पर एक अनुरोध रहेगा कि सरकार इस समय जो कोविड-19 के जो मामले लगातार पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि अभी इसी जो कोविड-19 के जो मामले हमारे हिंदुस्तान में बढ़े, उसके चलते हमारा जो हिंदुस्तान है वह तीसरे स्थान पर वर्ल्ड में, विश्व में संक्रमितों का पहुंच चुका है। वो भी हमारे लिए काफ़ी दुखद घटना है, दुखद ही बात है। हालांकि उसमें अधिकतर जो हमारे कोरोना के पेशेंट हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हिदायत के तौर पे अभी इस मामले पर सरकार को जो अभी पूर्व में पर्यटकों के लिए जो
स्थान खोला उसके लिए पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही में क्योंकि जो भी उसमें सरकार का उद्देश्य शायद ही हो सकता है कि उससे हमारा रोजगार या कारोबार बढ़े, परंतु उसमें भी कुछ लोगों तक ये सीमित कारोबार हो सकता है। परंतु अगर हम मंदिर देवी देवताओं को कितने दिन कैद में या उसमें बंद रखेंगे, अगर उस पर थोड़ा पुनर्विचार करें, थोड़ी सरकार उसमें निर्णय ले, तो कम से कम उससे जो है हमारे छोटे कारोबारियों को भी राहत मिलेगी और साथ ही में लोगों को भी जो अपने स्थानों पे रह रहे हैं उन्हें भी एक सहूलत मिलेगी। क्योंकि सरकार द्वारा भी हाल ही में एक निर्णय और लिया गया है कि बसों में भी 100% छूट दे दी गई है, तो इससे बेहतर है कि हमारे मंदिरों को ऐसे खोला जाए। इसी के साथ मैं एक बार सरकार इस पर पुनर्विचार करे। धन्यवाद। जय हिंद।